एमएसपी पर एक बार फिर किसान आंदोलन। क्या है एमएसपी? अब की बार कहाँ है राकेश टिकैत चढ़ूनी? दिल्ली, यूपी, पंजाब के साथ पूरे देश के राज्यों के किसान एक बार फिर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। एक बार फिर किसान आंदोलन पर उतरे हैं। आज दिल्ली चलो नारे के साथ तकरीबन 150 से ज़्यादा किसान संगठन दिल्ली में एंट्री करने वाले हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था 2020-21 में जब किसान आंदोलनरत थे। हालांकि उस बार किसानों को दिल्ली में एंट्री तो मिल गई थी, लेकिन इस बार राह बहुत ही कठिन है। सवाल ये है कि किसान सड़कों पर क्यों उतरे हैं, उनकी मांग आखिर क्या है। साथ ही सवाल ये भी है कि एमएस की मांग को लेकर किसान सड़कों पर उतरे हैं तो इस बार उनका नेता कौन है। गौरतलब है कि पिछली बार किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी थे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एमएसपी होता क्या है जिसको लेकर किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया है। चलिए जानते हैं आखिर क्या है एमएसपी। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसे हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहा जाता है। ये वो रेट है जिस पर सरकार किसानों के फसलों को खरीदती है। सरकार एक अनुमान के मुताबिक किसानों के उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी तय करती है। किसानों की तरफ से उगाई जाने वाली फसलों का बाजार मूल्य चाहे जो भी हो, किसानों से जब सरकार फसलें खरीदती है तब एमएसपी की रेट से ही खरीदती है। जैसे कि मान लिया जाए कि केंद्र सरकार ने अगर एमएसपी 20 रुपये तय की है, लेकिन बाजार में चाहे उस फसल की रेट 15 रुपये हो या 25 रुपये, सरकार 20 रुपये में ही किसानों से उनकी फसलें खरीदेंगी। एमएसपी को कृषि मंत्रालय के तहत आने वाले विभाग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस के साथ दूसरी संस्थाएं अपना सुझाव सरकार को देती हैं, जिस पर किसानों के लागत मूल्य के साथ कई चीजों पर ध्यान देते हुए एमएसपी तय किया जाता है। किन फसलों पर मिलती है एमएसपी? यहाँ एक सवाल ये भी है कि किन फसलों पर एमएसपी केंद्र सरकार देती है, क्योंकि पूरे भारत के किसान तो सैकड़ों तरह के फसल उगाते हैं। जान लीजिए केंद्र सरकार की तरफ से सभी फसलों पर एमएसपी नहीं मिलती। केवल 14 खरीफ, 6 रबी और 2 व्यावसायिक फसलों पर ही एमएसपी दी जाती है। इसके अलावा गन्ना के लिए एक अलग टर्म का यूज किया जाता है जिसे FRP कहा जाता है। जहाँ तक अनाजों की बात है, धान, गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी और जौ पर एमएसपी मिलती है। वहीं दलहन में चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर पर एमएसपी मिलता है। जहाँ तक तिलहन की बात है, इसमें सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, नाइजीरिया, काला तिल और कुसुम आते हैं। और इसके साथ गन्ना, कपास, जूट और नारियल को एमएसपी के दायरे में रखा गया है। एमएसपी की शुरुआत कब? चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि एमएसपी की शुरुआत कब हुई थी। केंद्र सरकार की तरफ से पहली बार एमएसपी 1966-67 में पेश किया गया था। ये तब हुआ था जब इंडिया को अनाज उत्पादन में बहुत ही बड़े घाटे का सामना करना पड़ा था। इसके जरिए किसानों की मदद की एक पुख्ता व्यवस्था बनाई गई थी। सबसे पहले गेहूं पर एमएसपी की शुरुआत की गई थी। फिर बीतते वक्त के साथ एमएसपी के तहत आने वाले फसलों की संख्या में बढ़ोतरी की जाती रही। लेकिन अब किसानों को ऐसा लग रहा है कि उनको जो एमएसपी मिल रही है उसमें वो घाटे में जा रहे हैं। ऐसे में किसान अब बार बार इस पर आवाज उठाते हैं। 2020 के बाद एक बार फिर किसान एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन पर उतरे हैं। किसान आंदोलन से टिकैत चढ़ूनी गायब क्यों? गौरतलब है कि 2020-21 में जब किसान आंदोलन हुआ था उस वक्त के नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी थे, लेकिन इस बार के आंदोलन के नेतृत्व का नेता बदल गया है। टिकैत और चढ़ूनी दोनों इस आंदोलन से गायब हैं और इस बार पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल और सरवन सिंह पंडेर इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। बता दें कि दल्लेवाल किसान मजदूर मोर्चा के नेता हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इस आंदोलन से टिकैत और चढ़ूनी गायब क्यों है, जिसके जवाब का इंतजार है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।